हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपको गुड़हल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ मेरे सब्सक्राइबर को मैसेज भी आया था कि हमारे इसमें पत्तियाँ पीली हो रही है गुड़हल में। तो गुड़हल में पत्तियाँ पीली हो रही है, आप उसको देख के ना घबराइए, क्योंकि जो पत्ती की एज हो जाएगी वो पत्तियाँ तो पीली होंगी, पर आप अपने पौधे को ये देखिए कि आपके पौधे की नई पत्तियाँ भी तो आ ही रही है साथ में। अगर नई पत्ती आ रही है तो आपका पौधा सही है, कलियाँ बन रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है, तो आपका इसका मतलब पौधा ठीक है। पत्तियाँ एज होने के बाद में ये गिरती हैं, पीली होके गिरती हैं, इसमें आप घबराइए मत और अपने पौधे की ग्रोथ को देखिए और अपने पौधे में नई पत्तियों को देखिए। नई पत्तियाँ आपकी निकल रही हैं, ये कलियाँ भी बन रही हैं करके इस तरह से आपको लगता है पौधा हेल्थी है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और गुड़हल का पौधा इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता, और गुड़हल के पौधे में दो चार बातों का आप ध्यान रखें तो आपके पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और आपके पौधे अच्छे चलेंगे भी। क्योंकि गुड़हल का पौधा ऐसा है जिसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए और अच्छी खाद चाहिए, मतलब अच्छी से मतलब है कि जो कि जिसमें पावरफुल खाद होती है वो खाद चाहिए। ये पौधे को हार्डी प्लांट है तो इसलिए इसको खाद में क्या क्या देना है मैं आपको ये भी बताती हूँ। अब नवंबर का महीना लग गया, ठंडी आने वाली है आगे को, तो आप अपने इसमें गुड़हल के पौधे को गोड़ाई करके अच्छे से बर्मी कंपोस्ट, सरसों खली और नीम खली, तीन चीज़ों का एक रात पहले भिगो के रख दीजिए। भिगोने के बाद में दूसरे दिन को उसको छान लीजिए, छानने के बाद में पानी में डाइल्यूट कीजिए। आप देखिए अगर एक लीटर पानी में आपने एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी सरसों खली और एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट डाल रखा है, तो इसको आप 5 लीटर पानी में छान के डाइल्यूट करेंगे और फिर सारे पौधों में गोड़ाई करने के बाद में आधा आधा गिलास, एक एक गिलास जिसको जितनी ज़रूरत है, एक दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए पौधे को और उसके बाद में गोड़ाई करके पानी देना बंद कर दीजिए। दूसरे दिन आप इसमें वो डाइल्यूट करा हुआ नीम खली, सरसों खली और बर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है आप उसको दीजिए और उसके बाद में आपके पौधे अच्छे चलेंगे, पूरी सर्दी आपको फ्लावरिंग देंगे। और गुड़हल का पौधा इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता है, और गुड़हल के पौधे को बस धूप चाहिए, धूप में रखिए और इस चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपके पौधे में कभी भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी फूल सूख जाता है या फूल को हमने तोड़ना है तो इस तरह से डंडी सहित निकालना है, ऐसा नहीं ऊपर से फूल को निकाल दिया बस, डंडी भी निकालनी है साथ में, क्योंकि ये भी पौधे की एनर्जी को अपने उसमें लेता रहता है, तो इस तरह से नहीं करना है, इसकी ये निकालनी है आपने, डंडी सहित निकालनी है, पूरे को हटा देना है, इस तरह से फूल को हटाना, सूखे हुए फूलों को आपने इसी तरह से हटाना है। और आप अपने पौधे को ये देखिए, अगर उसमें कलियाँ बन रही है, फ्लावर आ रहे और पत्ते पीले होके झड़ रहे, कोई बात नहीं, नए पत्ते ग्रोथ भी तो कर रहे, तो आप इस चीज़ से घबराइए नहीं और अपने पौधे को धूप में रखिए, धूप में रखिए और इस तरह का फर्टिलाइज़र आपने देना है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं काफ़ी हार्डी होते हैं और इनको अच्छी खाद चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, तभी जाके ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। और इनके लिए धूप ज़रूरी चाहिए, धूप ज़रूर देना, जहाँ पर धूप है वहीं पर इन पौधों को रखना, छाया वाली जगह में आपको फ्लावरिंग नहीं मिल सकती। और अगर आपके पास में बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके पास किचन वेस्ट की बनी हुई खाद होगी, किचन वेस्ट की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, उसको भी एक रात पहले भिगो दीजिए, नीम खली, सरसों खली और इनके साथ में भिगो के रख दीजिए, छानने के बाद में पानी में डाइल्यूट करिए और उसको भी दोगे तो आप देखोगे रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर ही आपके पौधे की ग्रोथ भी और आपके पौधे में फ्लावरिंग भी भरपूर होगी। क्योंकि मैं वीडियो शाम को बना रही हूँ, इस टाइम पे सुबह के टाइम पे हमारे फूलों को निकाल लेते हैं पूजा के लिए, तो शाम की वीडियो है मेरी,
इस टाइम पे आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेंगी, कलियां मैं आपको दिखा रही हूँ, कलियां बनी हुई हैं। तो आप भी इस तरह से करिए, आपका पौधा हेल्थी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और बीच बीच में कभी कभार महीने में एक बार DAP के इतने बड़े गमले में सिर्फ 8-10 दाने DAP के डाल देना, गोड़ाई करने के बाद में DAP के दाने डाल देना, उससे भी पौधा हरा भरा बना रहता है। आपको वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छी लगती है, मेरी बताई हुई चीज़ें आपके समझ में आती हैं, वीडियो पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे पेज को फॉलो करना।